चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आज उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी हैं। किच्छा विधानसभा क्षेत्र जाएंगे राहुल गांधी, और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। किच्छा में किसानों के मुद्दे पर लोगों से चर्चा राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला उत्तराखंड में देखा जा रहा है, और ऐसे में हरिद्वार में गंगा आरती के दौरान भी वो शामिल होंगे, जहां नेहरू यूथ हॉस्टल में एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी हैं, कई मायनों में ये काफी खास है, और ऐसे में सीधी जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस हर वो पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते वो एक बार फिर सत्ता में यहां पर काबिज हो जाए, और ऐसे में बीजेपी का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड में दो मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल, और उसको लेकर राहुल गांधी दोनों मंडलों को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले महिलाओं को साधा गया, उसके बाद यहां पर युवाओं को साधने की कोशिश की गई, रोजगार बेरोजगार दे गया, और पलायन के मुद्दों को भी सबसे ज्यादा यहां पर उठाया गया, जिसके बाद यहां पर कोशिश की गई कि जो सैनिकों की भूमि है उत्तराखंड, और सैनिकों को अपना जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन इस बीच अब किसानों को भी साधने की कोशिश पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और यही एकमात्र फिलहाल वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर नजर आएंगे, यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी की ये चुनावी जनसभा काफी अहम मानी जा रही है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, किसानों के मुद्दे पर लोगों से चर्चा की जाएगी कि किस तरह से तमाम जो यहां पर अब तक राजनीतिक दल रहा वो क्या क्या लाभ पहुंचा रहा है, और एक घोषणा पत्र के जरिए तमाम बड़े दावे वादे भी किए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजपाल हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। राजपाल, राहुल गांधी का एक बार राजकुमार एक बार फिर राहुल गांधी का ये दौरा है और उत्तराखंड में काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से की गई। अब किसानों के मुद्दे को जिस तरह से उठाया जाएगा, तो किस तरह की सरगर्मी देखी जा रही है? अब बिल्कुल रितु, आपको बता दें कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव 14 तारीख को वोटिंग हो रही है, उसी को लेकर राहुल गांधी आज यहां पर उत्तराखंड के अंदर दौरे पर रहेंगे। यहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, और वर्चुअल रैली के माध्यम से 70 विधानसभाओं पर कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में शामिल भी करेंगे। लगभग 40,000 कार्यकर्ता जो है और जो जन समूह है यहां पर जुड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं तैयारी भी कांग्रेस की तरफ से यहां पर पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, वो गैस सिलेंडर को लेकर हो, किसानों को मुद्दे को लेकर हो। गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 500 रुपए से ऊपर का गैस सिलेंडर उत्तराखंड के अंदर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। और सैनिकों के मामले भी कई घोषणाएं यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की गई हैं। उसी को लेकर आज राहुल गांधी जो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं, यहाँ से सभी जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसी के साथ साथ शाम के समय गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। गंगा आरती में एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि धार्मिक हरिद्वार धार्मिक नगरी है, धर्म नगरी है, इसी के तहत कहीं ना कहीं धर्म धार्मिक के हिसाब से भी राहुल गांधी का ये दौरा बिल्कुल अहम माना जा रहा है, और कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत साबित हो सकता है। जी रितु, अब बिल्कुल तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया राजकुमार। तो उत्तराखंड में फिलहाल ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राहुल गांधी का आज दौरा है।